Okay, welcome back dear friends. I am Dr. Kleem Raza. Today our topic is lumbosacral blackshes. मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ, दिस इज़ फाइव स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि सारे टॉपिक्स इतने फाइव स्टार हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं. तो वाकई सारे टॉपिक्स जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए बल्कि आपकी क्लिनिकल लाइफ के लिए भी. जिस तरह आज हम लोग डिस्कस करेंगे लंबोसैक्रल प्लेक्सिस, यू विल सी लॉट ऑफ पेशेंट्स इन योर क्लिनिकल लाइफ विद शैटिक नर्व इंजरी. शैटिक का पेन आपने सुना भी होगा. इसके साथ आप लोग देखोगे पेशेंट जो है फुट ड्रॉप के साथ देखोगे, ट्रेंडेलनबर्ग गेट देखोगे, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे. तो जिस तरह हमने अपर लिम की जो नर्व सप्लाई कंप्लीट की थी, जो ब्रैकियल प्लेक्सिस के किस तरह से जो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं स्पाइनल कार्ड से, फिर आपके अपर लिम में आ रही हैं और कौन कौन सी जो मूवमेंट्स वो एग्जीक्यूट करती हैं, इसी तरह से लंबोसैक्रल प्लेक्सिस जो लोअर लिम की जो जितनी भी जो नर्व्स हैं, जो नर्व सप्लाई है, ये भी उतनी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आपकी जो थाई की जो एडक्शन होती है, लेटरल रोटेशन कैसे होती है, एक्सटेंशन कैसे होती है, फ्लेक्शन कैसे होती है, लेग की जो एक्सटेंशन कैसे होगी, फ्लेक्शन कैसे होगी, डार्सी फ्लेक्शन कैसे होगी, प्लांटर फ्लेक्शन कैसे होगी, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है नर्व्स की. लेकिन ये जो लंबोसैक्रल प्लेक्सिस है ये इजी है एज़ कम्पेयर टू ब्रैकियल प्लेक्सिस. हम पहले इसको समझेंगे, इसको ड्रा करेंगे और जितने भी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, ये लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों को एग्ज़ाम में तकरीबन 3 से 4 MCQs देगा. और आपकी क्लिनिकल लाइफ में जब आप लोग इस तरह की जो नर्व्स लीजंस देखोगे जो कि कॉमन है, उसकी रीजंस क्या हैं कि पोलियो हो सकता है, जो वेंट्रल हॉर्न स्पाइनल कार्ड उसकी इंजरी, उसके बाद बैडली प्लेस इंजेक्शन जो शैटिक नर्व की इंजरी करवा सकते हैं या फिर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी करवा सकते हैं, उसके बाद फायरआर्म इंजरीज हो सकती हैं, स्टैब वुंड हो सकता है, बाय बर्थ इंजरीज हो सकती हैं, और इसी तरह से जो प्रोलॉन्ग साइकिलिंग है, ये भी जो कुछ नर्व्स हैं जो खासतौर पे पेरिनियल सेंसरी इनर्वेशन जैसे पुडेंडल नर्व, इसकी इंजरी हो सकती है, इनकी कंप्रेशन हो सकती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इनके जो इंशाल्लाह हम लोग आज रूट्स डिस्कस करेंगे, ये किस किस मसल को इनर्वेट करती हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम फंक्शन डिस्कस करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज लंबोसैक्रल प्लेक्सिस? दिस इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ द नर्व. प्लेक्सिस इज इट्स मीन अ नेटवर्क. इन नेटवर्क ऑफ द नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम लंबर एंड सैक्रल नर्व रूट्स. देन दीज नर्व रूट्स एग्जिट योर पैलवेस थ्रू द फोरामिन, मोस्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एग्जिटिंग फ्रॉम द ग्रेटर शैटिक फोरामिन, और फिर ये एंटर होते हैं आपके लोअर लिम थाई में, और फिर जाके लेग में, और जाके जितने जो मसल्स हैं उनको जाके इनर्वेट करती हैं. सो स्टे विद मी, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स प्लीज ड्रा द लंबोसैक्रल प्लेक्सिस. सो लेट्स ड्रा फर्स्ट रूट्स ऑफ द लंबोसैक्रल प्लेक्सिस. L1 L2, L3, L4, L5, and then sacral. S1, S2, and S3. On this side, it's anterior division, and this side is the posterior division. Anterior division and posterior division. Okay, first we will discuss the nerves originating from anterior division. T12 or L1 से जो nerve originate होती है iliohypogastric, उसको हम बाद में discuss करेंगे. इलियो हाइपोगैस्ट्रिक को डिस्कस करेंगे, पुडेंडल नर्व को, जेनिटोफिमोरल उसको भी डिस्कस करेंगे. लेकिन पहले जो मेजर नर्व्स आ रही हैं आपके लंबोसैक्रल प्लेक्सिस से, इनको प्लीज डिस्कस करते हैं. L2, L3 एंड L4, इनसे मिलके जो एंटीरियर डिवीजन से नर्व ओरिजिनेट हो रही है, इसको क्या कहते हैं? अब्चुरेटर नर्व.
obturator nerve. And obturator nerve basically, इसका function detail से discuss करेंगे. This nerve helping basically adduction of thigh. कि जो adductors हैं आपके thigh के, जो medial compartment muscles हैं, जो adduction में help करते हैं, उनको कौन सी nerve originate करेगी? Obturator. इसके बाद पोस्टीरियर जो ड्वीन है वहां से हमारे पास जो नर्व आ रही है L2, L3 और L4 से, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, दिस नर्व हियर इज फीमोरल नर्व, जो कि एंटीरियर थाई कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, जिस तरह से उसमें सार्टोरियस है और उसके बाद वेस्टल्स जितने भी हैं, वास्टस मीडियालिस है, लेटरलिस है, रेक्टस फीमोरस है, पेक्टिनियस है, इलियाकस, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं किसकी, लेग की, और साथ थाई की फ्लेक्शन भी करते हैं. डिटेल के साथ डिस्कस करें उन सबको कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी, फीमोरल. एंड इसके बाद L4 अप टू S3 ये जो नर्व है L4, L5 एंड देन S1, S2, S3 दिस इज टिबियल नर्व. और टिबियल नर्व याद रखना है कि जितने जो पोस्टीरियर थाई के मसल्स हैं, पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं, इन सब को इनर्वेट कौन सी नर्व करती है, टिबियल. जिस तरह से हम जब अपर लिम को डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था पोस्टीरियर आर्म, पोस्टीरियर फोर आर्म एंड बैक ऑफ द हैंड, दिस आर ऑल एक्सटेंसर्स, और इनको इनर्वेट कौन सी नर्व करेगी, रेडियल नर्व. लेकिन यहां पे जो मसल्स हैं खासतौर पे जो पोस्टीरियर थाई के, ये हेल्प करते हैं फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट. और उसके बाद जो पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं, ये प्लांटर फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं. और जितने भी जो पोस्टीरियर थाई लेग ये जो मसल्स हैं, उनको कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी, टिबियल नर्व. और टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व, ये दोनों नर्व्स इकट्ठी, इनको क्या कहते हैं, शैटिक नर्व. डिस्कस करेंगे भी. ओके, नेक्स्ट देन फ्रॉम पोस्टीरियर ड्वीन L4 अप टू S2 एंड दिस नर्व, ये कौन सी नर्व है, दिस इज कॉमन पेरोनियल नर्व, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमन फेब्यूलर नर्व. बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना है पेरोनियल और फेब्यूलर में कोई डिफरेंस नहीं है. जहां पे पेरोनियल आए वहां पे आप लोग साथ फेब्यूलर भी लिख सकते हो. ओके, और ये फिर फर्दर दो नर्व्स में जाती है, जाके डिवाइड होती है पपलेटिस फोसा में, एक होती है सुपरफिशियल पेरोनियल, एक होती है डीप पेरोनियल. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक नर्व होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कहां से ओरिजिनेट होती है, L4, L5 एंड S1 एंड देन इसका फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है. और उसके बाद इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. इंफीरियर ग्लूटियल नर्व कहां से आएगी, L5 से एंड देन S1, S2. बेसिकली ये जो इंफीरियर ग्लूटियल है, ये सप्लाई करेगी ग्लूटियस मैक्सिमस को, तो जो है हिप की एक्सटेंशन है उसमें हेल्प करती है. फंक्शन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. तो ये जो मेजर नर्व्स हैं ये आपके सामने हैं, ऑब्चुरेटर है, टिबियल है, फीमोरल है, कॉमन पेरोनियल है, सुपीरियर ग्लूटियल, इन्फीरियर ग्लूटियल. अब आप सोच रहे होंगे शैटिक नर्व किधर गई, तो टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व ये दोनों जो है एक शीथ में नीचे आ रही होती हैं, और उसको क्या कहते हैं, शैटिक नर्व. अभी उसको ड्रा कर लेते हैं. तो शैटिक नर्व जो है ये अलग से कोई नर्व नहीं है, प्लीज. शैटिक नर्व इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व एंड टिबियल नर्व. देखें जो शैटिक नर्व है,
Let's suppose this is your tibial nerve and this is your common peroneal nerve. इन्होंने गेट जो एग्जिट किया है पेल्विस थ्रू द ग्रेट शाइटिक फोरामी, नीचे आ गई हैं ये, और यहाँ पे आपका क्या है, पपलेटिस फोसा, पपलेटिस फोसा, और पपलेटिस फोसा में ये अलग हो जाती हैं। तो टिबियल और कॉमन पेरोनियल नर्व, बोथ दीज नर्व्स, ये मिलके क्या बना रही है, शाइटिक नर्व। जस्ट बिहाइंड योर नी जहां पे पपलेटिस फोसा है, वहां पे जो आपकी नर्व है कॉमन पेरोनियल, ये अलग चली जाएगी और टिबियल किधर आ जाएगी, मीडियल साइड पे। और फिर एट द नेक ऑफ फेब्यूला, एट द नेक ऑफ फेब्यूला कॉमन पेरोनियल विल फर्दर डिवाइड इनटू सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप पेरोनियल, उनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर होगी कि जो शैटिक नर्व है, विच नर्व, शैटिक, शैटिक नर्व, इस नर्व के अंदर हमारे पास दो नर्व्स होती हैं, एक टिबियल है और एक कॉमन पेरोनियल। और अगर रूट्स की बात की जाए शैटिक नर्व की, अगर लेट्स सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द रूट्स ऑफ द शैटिक नर्व, तो याद रखना वही L4 से लेके S3 तक, L4 टू S3, दीज आर द रूट्स ऑफ शैटिक नर्व। नेक्स्ट प्लीज लेट मी शो यू प्लीज अनदर इंपॉर्टेंट इमेज अबाउट द शैटिक नर्व। ओके, तो यहां पे देखें, अभी मैंने बताया कि शैटिक नर्व बेसिकली इस तरह से आ रही है, इसके अंदर दो नर्व्स हैं, एक है टिबियल है, एक है कॉमन पेरोनियल नर्व। जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो शैटिक नर्व है इसकी एक रीजन जो है वो इंजरी की क्या हो सकती है, कि बैडली प्लेस इंजेक्शन। जब भी आपने ग्लूटियल रीजन पे इंजेक्शन देना है तो आप इस रीजन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें। अगर आपने इंजेक्शन दे दिया इस इनर पोर्शन में, मिडिल पोर्शन में या इस रीजन में, तो ये रेड जोन है, यहां पे आप नर्व को डैमेज कर सकते हैं। ऑलवेज यूज अपर आउटर लेटरल क्वाड्रेंट। 4 पोर्शंस में आपने डिवाइड किया तो ये रीजन यूज करें ग्लूटियल इंजेक्शन के लिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। दिस इज सेफ जोन, दिस इज ग्रीन जोन, इस जोन में मत जाएं, ये जो जोन है यहां पे नर्व्स नीचे आ रही हैं, तो आप नर्व्स को पंक्चर कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ प्लीज लेट्स डिस्कस ईच नर्व इन डिटेल। फर्स्ट वी विल स्टार्ट अप फ्रॉम कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, लेट्स प्लीज डिस्कस कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल और कॉमन फिब्युलर एक ही बात है। सो कॉमन पेरोनियल नर्व क्या रूट्स थे, पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन रूट्स क्या है, L4, L5, S1 एंड S2, दीज आर द नर्व रूट्स। और कॉमन पेरोनियल नर्व फिर किस में जाके डिवाइड होगी, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड देन डीप पेरोनियल नर्व। कहां पे इसकी डिवीजन होती है, एट द नेक ऑफ फेबुला। तो लिखे पहले तो ये लिखे ना, दिस इज पार्ट ऑफ योर शैटिक नर्व, दिस इज पार्ट ऑफ योर शैटिक नर्व एंड एट द नेक ऑफ फेबुला, विच बोन, फेबुला, जो कि लेटरल साइड पे है, नेक ऑफ फेबुला, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेक ऑफ फेब्यूला। कॉमन पेरोनियल नर्व विल डिवाइड इनटू डीप पेरोनियल नर्व एंड देन सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल और सुपरफिशियल फेब्यूलर नर्व। ओके, अगर डीप पेरोनियल नर्व की बात की जाए इसके फंक्शन की, ओके,
डीप पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व कहां किसको इनर्वेट करेगी? इट विल इनर्वेट योर एंटीरियर लेग कंपार्टमेंट मसल्स। एंटीरियर जो लेग का कंपार्टमेंट है उसमें कौन कौन से मसल्स आएंगे? राइट प्लीज मसल नेम, टीबियालस एंटीरियर, टीबियालस एंटीरियर एंड देन एक्सटेंसर, एक्सटेंसर हालेसियस लॉन्गस एंड फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर हालेसियस लॉन्गस इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ बिग टो। साथ लिख लें फंक्शन प्लीज, एक्सटेंशन ऑफ बिग टो एंड देन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फंक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस इज द एक्सटेंशन ऑफ ऑल अदर फोर टोज। यहां पे मैं आपको अपना फुट तो नहीं दिखा सकता, तो आप चीजों को इमेजिन कर सकते हो। ओके, एक्सटेंसर हॉलेसियस लॉन्गस ये क्या करता है? एक्सटेंशन ऑफ बिग टो। ओके, एंड देन एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो रिमेनिंग आपके टोज है उनकी एक्सटेंशन कराएगा। उसके बाद एक और मसल होता है एंटीरियर लेग कंपार्टमेंट में, पेरोनियस टर्शियस, पेरोनियस टर्शियस। तो ये जो चार मसल्स हैं ये याद रखें, इनको कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी? डीप पेरोनियल नर्व और द डीप फिब्युलर नर्व। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फंक्शन। क्या फंक्शन क्या होगा? राइट फंक्शन क्या फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ डीप पेरोनियल नर्व, लेट्स डिस्कस प्लीज फंक्शन। तो जो एंटीरियर लेग के मसल्स हैं, एंटीरियर लेग के मसल्स, लेट्स सपोज प्लीज लेट्स इमेजिन दिस माय हैंड इज फुट। तो ये जो है ये रीजन, ये एंटीरियर लेग है, जो फोर आर्म है इसको इमेजिन करते हैं ये लेग है और ये थाई रीजन है। अब देखें जो फुट है, फुट दिस इज फुट, दिस इज प्लांटर रीजन एंड दिस इज डार्सल सर्फेस। अब ये जो मूवमेंट है फुट की इसको क्या कहते हैं? डार्सी फ्लैक्शन, दिस इज अ डार्सी फ्लैक्शन एंड दिस इज प्लांटर फ्लैक्शन। बाद में इमेजेस भी दिखाता हूं। और ये जो आउटवर्ड मूवमेंट होती है फुट की इसको क्या कहते हैं? इवर्जन, दिस इज इवर्जन और ये है इनवर्जन। दोबारा देखें, दिस इज डार्सी फ्लैक्शन ऑफ द फुट, दिस इज प्लांटर फ्लैक्शन, दिस इज इवर्जन, दिस इज इनवर्जन। अब जब आप लोग डार्सी फ्लैक्शन कर रहे होते हैं, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो साथ, कि जब डार्सी फ्लैक्शन करते हो ना तो एंटीरियर जो लेग कंपार्टमेंट मसल है उसमें आपको फील होगा। तो जो डीप पेरोनियल नर्व, चूंकि ये एंटीरियर लेग कंपार्टमेंट के मसल्स को इनर्वेट करती है, सो राइट प्लीज फंक्शन ऑफ द डीप पेरोनियल नर्व, फंक्शन ऑफ डीप पेरोनियल नर्व इज द डार्सी फ्लैक्शन ऑफ द फुट एंड अदर फंक्शन इज इनवर्जन ऑफ द फुट, इनवर्जन ऑफ फुट, डार्सी फ्लैक्शन एंड इनवर्जन, राइट फंक्शन, डार्सी फ्लैक्शन ऑफ फुट। डार्सी फ्लैक्शन ऑफ फुट एंड सेकंड इज इनवर्जन। तो याद रखें इफ देयर इज इंजरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरे एग्जाम में भी यह पूछा गया था, फुट ड्रॉप, जिस तरह से मैंने कहा था ना कि जो रिस्ट ड्रॉप है, रिस्ट ड्रॉप, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट, रिस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू इंजरी ऑफ रेडियल नर्व विच ओरिजिनेट फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अगर फुट ड्रॉप हो जाएगा एक पेशेंट का, फुट ड्रॉप, लॉस ऑफ द डार्सी फ्लेक्शन, दैट इज ड्यू टू इंजरी ऑफ डीप पेरोनियल नर्व। अब एग्जामिनर आपको थोड़ा सा चेक करेगा नॉलेज, कि क्वेश्चन दे दिया है, लेट्स सपोज उसने सिनेरियो दिया है, उसमें यह कहा होगा कि पेशेंट हैज लॉस्ट द डार्सी फ्लेक्शन या फिर फुट ड्रॉप, तो उसमें क्या करेगा कि कॉमन पेरोनियल नर्व भी ऑप्शन में देगा और डीप पेरोनियल नर्व भी ऑप्शन में देगा। अब ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं बिकॉज डीप पेरोनियल नर्व इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व, लेकिन यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, मोर प्रिसाइज, आंसर विल बी डीप पेरोनियल नर्व। लेकिन अगर सिर्फ कॉमन पेरोनियल नर्व दिया गया है, डीप पेरोनियल नहीं दिया, तो आप कॉमन पेरोनियल भी लिख सकते हो। ये चीज याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट डीप पेरोनियल रट्टा लगा के जाते हैं, उसमें एग्जामिनर डीप पेरोनियल नहीं देता, कॉमन पेरोनियल दे देता है,
और वो किसी और नर्व को क्लिक कर देते, नहीं। अगर तो डीप पेरोनियल है, कॉमन पेरोनियल भी साथ दिया हुआ है, योर आंसर इज डीप पेरोनियल, क्योंकि मोर स्पेसिफिक एंटीरियर लेग कंपार्टमेंट के मसल जा रहे हैं, तो नर्व कौन सी है? डीप पेरोनियल नर्व। बट इफ देर इज नो डीप पेरोनियल योर ऑप्शन, देन अल्टीमेटली गो विद द कॉमन पेरोनियल। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है क्लिनिकल सिनेरियो में, उसकी रीजन मैंने बताई है कि कॉमन पेरोनियल नर्व विल अल्टीमेटली डिवाइड इनटू सुपरफिशियल पेरोनियल एंड डीप पेरोनियल एट द नेक ऑफ फिबुला। तो अगर उसका फ्रैक्चर होगा तो ये इसकी इंजरी हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्लीज डिस्कस अबाउट सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व आर सेकंड नेम इज सुपरफिशियल फेब्यूलर नर्व, राइट। प्लीज फंक्शन देखें, जिस तरह से मैंने कहा ना अभी, ये फुट की क्या है? इनवर्जन है। और ये फुट की क्या है? ई वर्जन है। तो जब आप फुट की ई वर्जन करेंगे ना, अभी देखें, ये आप फुट की ई वर्जन कर रहे हो तो आपको मसल्स की मूवमेंट फील होगी। लेग का जो लेटरल कंपार्टमेंट है ना, लेग का जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, उनकी मूवमेंट आपको फील होगी। तो ई वर्जन इज अ फंक्शन ऑफ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। सो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व बेसिकली इनर वे टू, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व इज इनर वेटिंग टू पेरोनियस लॉन्गस मसल एंड देन पेरोनियस ब्रेविस मसल। तो फंक्शन क्या है? ई वर्जन। इन मसल का क्या फंक्शन है? ई वर्जन ऑफ फुट, ई वर्जन ऑफ फुट। इंजरी हो जाएगी लॉस ऑफ ई वर्जन। और साथ सेंसरी इनर्वेशन भी डिस्कस करते चलें। अगर डीप पेरोनियल नर्व के सेंसरी फंक्शन की बात की जाए तो फर्स्ट वेब स्पेस के जो बिग टो और जो फर्स्ट टो है उनके जो सेंटर वाली स्पेस है वहां पे जो सेंसरी इनर्वेशन आएगी वो डीप पेरोनियल की वजह से आएगी। और जो आपके जो बेसिकली फुट की जो डार्सल सरफेस है यहाँ पे जो सेंसरी इनर्वेशन आती है वो कहाँ से आती है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से। और जो प्लांटर सरफेस है नीचे वाला रीजन वहां पे जो सेंसरी इनर्वेशन है उसको कौन इनर्वेट करता है? टीबियल नर्व। ये चूंकि अभी तक हमने मोटर इनर्वेशन डिस्कस की थी तो अगर पूछा जाए व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेंसरी फंक्शन ऑफ डीप पेरोनियल नर्व, देन सेंसरी फंक्शन ऑफ डीप पेरोनियल नर्व इज इनर्वेशन ऑफ द फर्स्ट वेब स्पेस। अभी इमेजेस भी दिखाऊंगा। ओके, तो अभी कुछ इमेजेस डिस्कस करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। तो सेंसरी फंक्शन भी हो गया हमारा डीप पेरोनियल का और साथ मोटर फंक्शन भी हो गया। ओके, सो दिस इज डार्सी फ्लेक्शन। यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये मैंने कहा था लेट्स सपोज दिस इज योर फुट और ये क्या है? दिस इज फुट एंड दिस इज डार्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट एंड दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये क्या है? डार्सी फ्लेक्शन। ये देखिए, दिस मूवमेंट इज डार्सी फ्लेक्शन, दिस इज डार्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट एंड दिस इज प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर ये मूवमेंट लॉस हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? फुट ड्रॉप बिकॉज ऑफ द डीप पेरोनियल नर्व इंजरी। ओके, एन इन द इमेज ये देखें, दिस बेसिकली मूवमेंट दिस इज आउटवर्ड, इसको क्या कहेंगे? दिस मूवमेंट दिस इज ई वर्जन एंड दिस इज इनवर्ड इनवर्जन। अभी मैंने आपको समझाया था कि यह फुट है
डार्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, बाहर है तो इवर्जन, अंदर आ रही है मीडियल साइड की तरफ इनवर्जन। तो ये वो इमेजेस हैं, ये दोबारा से डार्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन यहां पे है। साथ अगर अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंसरी इनर्वेशन है, तो ये जो फर्स्ट वेब स्पेस है यहां पे, यहां पे ये जो रीजन है, ये बिटवीन बिग टो एंड फर्स्ट टो, ये देखें फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे जो वेब स्पेस है इसकी जो सेंसरी इनर्वेशन है ये किसके पास है? अक्सर एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, डीप पेरोनियल, आपने नोट्स में लिखना है प्लीज, डीप पेरोनियल। ये जो सुपरफिशियल रीजन है, सुपरफिशियल रीजन, ये जो सेंसरी इनर्वेशन है यहां पे अगर आप टच करते हो अपने फुट को, यहां पे जो सेंसेशंस फील होंगी ये किसके पास है? ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व के पास। और जो प्लांटर रीजन है नीचे वाला, ये वाला, ये यहां पे अगर आप टच करते हो, ये यहां की जो सेंसरी इनर्वेशन है ये किसके पास होंगी? टिबियल नर्व के पास। ये आपने नोट्स में लिखना है प्लीज। नेक्स्ट डिस्कस प्लीज अबाउट टिबियल नर्व। लेट्स नाउ प्लीज डिस्कस अबाउट टिबियल नर्व। टिबियल नर्व, सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ टिबियल नर्व? दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ शैटिक नर्व। रूट्स क्या थे टिबियल नर्व के हमारे पास? L4, एंटीरियर डिवीन से आ रही थी, L4 से S3, एंटीरियर डिवीन से। तो मैंने बताया था कि पोस्टीरियर थाई के मसल्स, पोस्टीरियर लेग के मसल्स, उन सबको कौन सी नर्व इनर्वेट करेगी? टिबियल नर्व। तो पोस्टीरियर थाई हैमस्ट्रिंग पोर्शन, हैमस्ट्रिंग मसल्स, कौन कौन से मसल्स हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड देन सेमी टेंडिनोसस एंड देन बाइसेप्स फीमोरस, ऑनली लॉन्ग हेड, ऑनली लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस। ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे शॉर्ट हेड लिख देते हैं। और उसके बाद अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मैग्नस, बट ऑनली हैमस्ट्रिंग पोर्शन, ऑनली हैमस्ट्रिंग पोर्शन ऑफ अडक्टर मैग्नस, ऑनली हैमस्ट्रिंग पार्ट और हैमस्ट्रिंग पोर्शन ऑफ अडक्टर मैग्नस। सो दीज आर द मसल्स, ये कौन से हैं टिपिकल हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं? तीनों, सेमी मेम्ब्रेनोसस, टेंडिनोसस एंड बाइसेप्स फीमोरस। एंड लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फीमोरस इज इनर्वेटेड बाय टिबियल नर्व। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरस इज इनर्वेटेड बाय कॉमन पेरोनियल नर्व। नोट्स में लिख लें, मैं क्लास में भी पूछता हूँ अक्सर स्टूडेंट से और एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, अब ये जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? और एडक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पार्ट, क्योंकि जो एडक्टर पार्ट है ना एडक्टर मैग्नस का, वो बेसिकली क्या कर रहा है? एडक्शन कर रहा था कि वो अब्चुरेटर नर्व के पास है, डिस्कस करेंगे उसको। तो ये जो मसल्स है हमारे पास इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? टिबियल नर्व, पोस्टीरियर थाई मसल्स। एंड पोस्टीरियर थाई मसल्स हेल्प इन बेसिकली फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट, ऑल्सो दे हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, चीज याद रखनी है। तो नर्व कौन सी इनर्वेट कर रही है? टिबियल नर्व। नेक्स्ट पोस्टीरियर लेग मसल्स, नेक्स्ट राइट प्लीज, पोस्टीरियर लेग मसल्स, पोस्टीरियर लेग। तो पोस्टीरियर थाई भी और पोस्टीरियर लेग के मसल भी किसके पास है? टिबियल के पास। तो पोस्टीरियर लेग पे कौन सा है? ये तो बहुत सिंपल है, देखें एंटीरियर पे लेग पे क्या था? टिबियलस एंटीरियर। पोस्टीरियर पे क्या होगा? टिबियलस पोस्टीरियर, टिबियलस पोस्टीरियर। और कौन सा मसल होगा साथ? आपको पता ही है सोलियस मसल, सोलियस के साथ कौन सा है? गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, गैस्ट्रोनीमियस, गैस्ट्रोकनीमियस, इसको नहीं पढ़े, इसको गैस्ट्रोनीमियस पढ़े, ठीक है ना, सी इज साइलेंट। और उसके बाद कौन सा है? प्लांटारिस है,
प्लांटारस मसल है और उसके बाद पपलेटियस मसल, पपलेटियस मसल ये पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं, टिबियालिस पोस्टीरियर, सोलियस, गैस्ट्रोनीमियस, प्लांटारस एंड पपलेटियस मसल। अब इसमें आपको पता ही है ये जो मसल्स हैं आप इनकी एक्सरसाइज करते होंगे जिम में जाके, ठीक है ना, तो प्लांटर फ्लेक्शन जब आप करते हो तो आपके ये मसल्स मूव हो रहे होते हैं, पोस्टीरियर जो लेग के मसल्स हैं प्लांटर फ्लेक्शन, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना इस तरह से जो जिम में लोग जाते हैं उनको आइडिया है। तो एक मसल इनमें है जिसको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, वो कौन सा है, सोलियस मसल। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, क्योंकि जब हम लोग जो हमारा ब्लड होता है ग्रेविटी की वजह से वो पूल करता है जो लेग्स के मसल्स हैं, और फिर जब आप रेस्टिंग कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा जो है ब्लड पूल कर रहा होता है, इसीलिए कहते हैं हरकत में बरकत है, ठीक है, तो एक्टिव रहा करें प्लीज़। तो फिर जो सोलियस मसल और बाकी मसल्स की कंट्रैक्शन है खासतौर पे सोलियस की, ये क्या करती है कि ब्लड को मसल कंट्रैक्शन की वजह से वापस किधर भेजती है, आपकी सर्कुलेशन में ड्यूरिंग द एक्टिविटी। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल हार्ट ऑफ योर बॉडी। तो इस तरह से हमारा जो पोस्टीरियर थाई का कंपार्टमेंट मसल्स उसका भी आइडिया हो गया कि किसके पास है, और पोस्टीरियर लेग का भी आइडिया होगा। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं एनदर नर्व, दैट इज योर अब्चुरेटर नर्व, अब्चुरेटर। एंड बिफोर अब्चुरेटर लेट्स प्लीज डिस्कस फीमोरल, फीमोरल नर्व। अब्चुरेटर इसके बाद डिस्कस करते हैं। फीमोरल क्या रूट्स थे, पोस्टीरियर डिवीजन L2, L3, L4, तो कहां पे, बहुत इजी है, एंटीरियर थाई मसल, एंटीरियर थाई, उसमें नंबर वन सार्टोरियस, सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस मसल, और सार्टोरियस ये भी याद रखना है साथ लिख ले, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी, सबसे लंबा है, इलियक स्पाइन से टिबिया तक आता है, बहुत लंबा मसल है, ठीक है ना, लेंथ वाइज सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ये भी याद रखें दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हनीमून मसल, इसको हनीमून मसल भी कहते हैं। हनीमून मसल बेसिकली जो सार्टर है ना, सार्टर इन लैटिन लैंग्वेज, सार्टर मीन टेलर, तो जो टेलर्स आपको पता है अक्सर जो है क्रॉस लेग्स पोजीशन में बैठे होते हैं, तो सार्टर मीन टेलर, तो सार्टोरियस उसी से निकला है सार्टोरियस। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हनीमून मसल, बिकॉज दिस मसल हेल्प इन लेटर रोटेशन ऑफ थाइस, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हनीमून मसल। ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर सार्टोरियस नेक्स्ट प्लीज मसल इज क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरस के अंदर हमारे पास चार हेड्स आ जाएंगे, नंबर वन वास्टस मीडियालस, बड़ा मसल है, उसके बाद वास्टस लेटरलस है, वास्टस इंटरमीडियालस है, ये सारे लिखने हैं आपने, और उसके बाद रेक्टस फीमोरस, रेक्टस फीमोरस। और कौन सा मसल है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में, इलियाकस है, कितने खूबसूरत खूबसूरत नाम है, इलियाकस, 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 इलियाकस है, और लास्ट वन इज पेक्टिनियस, पेक्टिनियस। तो दोबारा से सुने, एंटीरियर कंपार्टमेंट थाई मसल सार्टोरियस, लॉन्गेस्ट मसल क्वाड्रिसेप्स फीमोरस, उसके जो हेड्स लिखे, और साथ इलियाकस एंड पेक्टिनियस। और याद रखें लॉन्गेस्ट मसल इज सार्टोरियस, अगर लार्जेस्ट मसल का पूछा जाए दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, और अगर स्मॉलेस्ट का पूछा जाए तो मिडल ईयर का जो स्टेपीडियस मसल है। ये चीजें लिखें, एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। नेक्स्ट, अब इसका फंक्शन जहां तक बात है, तो जो फीमोरल नर्व है
इसका अगर फंक्शन हम लोग बात करें तो ये क्या करती है, एक्सटेंशन ऑफ लेग, नी की जो एक्सटेंशन है, आल्सो हेल्प इन फ्लेक्शन ऑफ थाई आल्सो, एक्सटेंशन ऑफ लेग एंड फ्लेक्शन ऑफ थाई जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं। और इसकी जो बेसिकली सेंसरी इनर्वेशन है वो ये तो मोटर है, सो सेंसरी ब्रांच इज द सेफनस, सेंसरी ब्रांच लिख लें प्लीज, सेंसरी ब्रांच। सो दिस वाज द मोटर फंक्शन एंड नाउ राइट प्लीज सेंसरी फंक्शन ऑफ फीमोरल नर्व। सेंसरी फंक्शन क्या होगा, लिखें सेंसरी इनर्वेशन ये किस किस को देगी, सेंसरी ब्रांचेस जो स्किन की इनर्वेशन को कैरी करेंगी, मीडियल प्लस इंटरमीडियल कुटेनियस ब्रांच ऑफ थाई प्लस सेफनस सेफनस नर्व मीडियल साइड ऑफ द मीडियल स्किन ऑफ लेग प्लस फुट, जो सेंसरी नर्वेशन होगी वो किसके पास होगी, सेफनस नर्व के पास, एंड सेफनस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट राइट प्लीज अब्चुरेटर नर्व, अब्चुरेटर नर्व तो रूट्स तो आपको अभी जबानी है, L2 L3 L4 एंड कौन सा डिवीजन था, एंटीरियर डिवीजन। तो इनरवेट किसको करेगी एब्चुरेटर, आपको पता ही है कि जो एडक्टर्स हैं तो कौन कौन से मसल्स हैं विच हेल्प इन एडक्शन ऑफ थाई, नंबर वन एडक्टर लॉन्गस, नंबर टू एडक्टर ब्रेवस एंड देन एडक्टर मैग्नस एडक्टर पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा मसल है, ग्रेसिलस, ग्रेसिलस ये सारे मसल्स क्या करते हैं, हेल्प इन एडक्शन ऑफ थाई, ठीक है ना, थाई की एडक्शन में। और याद रखना है कि जो ग्रेसिलस मसल है, दिस मसल जिस तरह से हमने पढ़ा था ना कि सार्टोरियस मसल दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हनीमून मसल बिकॉज लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, तो जो ग्रेसिलस मसल है इसको एंटी रेप मसल भी कहते हैं, एंटी रेप मसल या फिर कस्टोडियन ऑफ वर्जिनिटी। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कस्टोडियन ऑफ वर्जिनिटी, बिकॉज दिस इज स्ट्रांग मसल एंड स्ट्रांग एडक्टर ऑफ योर थाई, स्ट्रांग एडक्टर ऑफ थाई। इमेजेस आप लोग देख सकते हो इन मसल्स की, बुक से नेटर एटलस ओपन करें वहां पे इनको ड्रा भी करें। तो याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंटी रेप मसल कौन सा होता है, फोरेंसिक में भी इसकी डिस्कशन होती है, ठीक है ना, फोरेंसिक में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो मसल है ग्रेसिलस, इसको कस्टोडियन ऑफ वर्जिनिटी या फिर एंटी रेप मसल भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन, सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन, स्ट्रांग मसल है। और उसके बाद एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेवस एंड देन एडक्टर मैग्नस। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नर्व सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, बस थोड़ी सी नर्व्स रह गई हैं हमारी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, L4 L5 एंड S1। तो फंक्शन क्या होगा, तो ये पोस्टीरियर डिवीजन से आती हैं बेसिकली। फंक्शन ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इट इनर्वेट टू ग्लूटियस मीडियस, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो लोअर लिम के मसल स्किप कर देते थे, आज उनको आइडिया हुआ कि कितने इंपॉर्टेंट मसल हैं, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस तीन तरह के हैं वहां पे, एक मैक्सिमस है, मीडियस है
मिनिमस है। तो जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, अब इनका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी भी आप लोग देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एडक्शन ऑफ योर थाई, ये थाई के एडक्टर्स हैं। तो इसकी इंजरी होगी अगर इन केस ऑफ पाल्सी, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेंडेलनबर्ग गेट। अभी मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा, ट्रेंडेलनबर्ग साइन या फिर ट्रेंडेलनबर्ग गेट भी उसको कहते हैं, ट्रेंडेलनबर्ग साइन और ट्रेंडेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फंक्शन इनका मैंने क्या बताया आपको, थाई के एडक्टर्स हैं, एडक्टर्स। तो देखें, जब हम लोग चल रहे होते हैं ना, या अभी मैं खड़ा हूं, तो जो मेरी बॉडी का वेट है ये बेसिकली बीयर कर रही है मेरी लेग्स। जब हम वॉक करते हैं, जो हमारी जो अलाइनमेंट होती है, उस अलाइनमेंट को, जो इक्विलिब्रियम को कौन मैनेज करता है, ये जो जो हमारे ग्लूटिस मीडियस और ग्लूटिस मिनिमस है, और खासतौर पर जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है। कि आप लोग चलते हैं तो आप बैलेंस में रहते हैं, ऐसे ही है ना, कि एक तरफ से आपकी पैल्विस ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ से नीचे आ रही है, फिर इस तरफ, ये एक अलाइनमेंट है। बट इन केस इफ यू आर हैविंग इंजरी टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, आपकी अलाइनमेंट खत्म हो जाएगी। इन केस ऑफ इंजरी टू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, लेट्स सपोज आपकी राइट साइड पे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी है, तो आपके राइट साइड के जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल, ये डैमेज हो जाएंगे। तो आपकी जो राइट लेग है, ये आपका वेट बियर नहीं करेगी, याद रखें इसको प्लीज। अगर राइट साइड के ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की इंजरी है, जैसे आप वेट आप रखने की कोशिश करेंगे, तो आप वेट बियर नहीं करेंगे, तो आपकी जो कंट्रालेटरल दूसरी लेफ्ट लेग है वो टिल्ट हो जाएगी इस तरह से। मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगा प्लीज। इसको क्या कहते हैं, ट्रेंडेलनबर्ग गेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेंडेलनबर्ग साइन या फिर ट्रेंडेलनबर्ग गेट, ये देखें। ओके, इसको समझने की कोशिश करें, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कहा कि जो बेसिकली सुपीरियर ग्लूटियल, ये सप्लाई करेगी किसको, ये ग्लूटिस मीडियस है और ग्लूटिस मिनिमस को। ये बेसिक मसल्स क्या करते हैं, जब हम लोग जाते हैं मूव करते हैं, या हमारा जो वेट आता है इस थाई रीजन पे, तो ये उसको बैलेंस को मेंटेन करते हैं। वाइल वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ एबडक्शन, ये इसको क्या करेंगे, अलाइनमेंट को, इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को मेंटेन करते हैं इस तरह से। बट इफ यू आर हैविंग इंजरी टू द राइट साइड ऑफ द ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियस सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी होगी है बिकॉज ऑफ पोलियो की वजह से हो सकती है, बैडली प्लेस इंजेक्शन हो सकता है, बाई बर्थ ट्रामा हो सकता है। ये चीज काजेज में बता रहा हूँ, ये लिखनी है, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ काइंडली इसको लिखिएगा जरूर नोट्स में, ठीक है, कि रीज़न क्या हो सकती है इसकी इंजरी की, कि पोलियो की एक रीज़न ये है, उसके बाद बैडली प्लेस इंजेक्शन हो सकते हैं, और भी बहुत सारी काजेज हैं, बाई बर्थ ट्रामा हो सकता है। तो ये देखें कि अगर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की इंजरी है, तो राइट साइड का जैसे ही इसके ऊपर अगर वेट आ जाएगा, तो वो लेग वेट बियर नहीं करेगी, तो कंट्रालेटरल जो हिप है वो टिल्ट कर जाएगी इस तरह से। तो याद रखना है, इंजरी राइट साइड पे होगी, लेकिन जो हिप है वो कौन सी ड्रॉप होगी, कंट्रालेटरल। एग्जाम में सिनेरियो आता है, कंट्रालेटरल जो हिप है वो डिसेंड कर जाएगी बिकॉज ऑफ द इंजरी। इंजरी ऑन द राइट साइड, तो राइट साइड जो है वो नॉर्मल क्या होता है कि आप लोग वॉक कर रहे हो इस तरह से, ये राइट इसकी एबडक्शन हुई है, ठीक है, लेफ्ट नीचे है, फिर इसकी एबडक्शन है, ये नीचे है, लेकिन अगर राइट की इंजरी है तो वो नॉर्मल एक लिमिट तक उसकी एबडक्शन नहीं होगी, वो ज्यादा ऊपर चली जाएगी और लेफ्ट नीचे आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, ट्रेंडेलनबर्ग गेट, बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, देर इज वीकनेस इन द ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस इन द राइट साइड, एंड देन देर इज नो अलाइनमेंट, एंड देन कंट्रालेटरल पेल्विस टिल्ट्स। इसको क्या कहेंगे, ट्रेंडेलनबर्ग गेट, ट्रेंडेलनबर्ग साइन। अगर इंजरी लेफ्ट लेग की होगी, लेफ्ट साइड पे अगर इंजरी है, तो राइट जो हिप है वो ड्रॉप करेगी, अगर इंजरी राइट साइड पे है तो ये लेफ्ट साइड पे जो हिप है वो टिल्ट कर जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्लीज राइट, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। इसके रूट्स क्या थे हमारे पास, L5
एंड देन S1 एंड S2। सप्लाई किसको करेगी? जो कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस। फंक्शन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ योर हिप्स। ओके, अगर इंजरी हो जाएगी, इफ देयर इज इंजरी, क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन बेसिकली क्लाइंबिंग स्टेयर्स, डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, और क्या हो सकता है? और डिफिकल्टी इन बेसिकली स्टैंडिंग फ्रॉम सीटेड पोजिशन, कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आपको खड़ा होने में दुश्वारी हो सकती है चूंकि हिप की एक्सटेंशन नहीं होगी। और उसके बाद डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो नर्व है वो लिखें इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इसके रूट्स क्या हैं? T12 और L1 से। सप्लाई किसको करेगी? जो इसकी मोटर इनर्वेशन है, मोटर फंक्शन ऑफ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इज बेसिकली टू इंटरनल ओब्लीक मसल, एंड देन ट्रांसवर्सस अबडामिनस मसल, ये हमने डिस्कस किए थे। और अगर सेंसरी इसकी बात की जाए, सेंसरी इनर्वेशन जो स्किन है किसकी? बेसिकली जो सुप्रा प्यूबिक रीजन, स्किन ऑफ सुप्रा प्यूबिक रीजन। इसके बाद नेक्स्ट प्लीज राइट जेनिटोफीमोरल नर्व, एनदर वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, जेनिटोफीमोरल। रूट्स इसके क्या हैं? L1 और L2। किसको सप्लाई करेगी? अगर सेंसरी बात की जाए, सेंसरी इनर्वेशन लेबिया मिजोरा एंड देन स्क्रोटम, सेंसरी इनर्वेशन। अगर मोटर की बात की जाए तो क्रीमेस्टर मसल, ये एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना है प्लीज, क्रीमेस्टर मसल। और इसके बाद लास्ट नर्व इज पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व रूट्स पुडेंडल नर्व रूट्स इसके हैं S2 S3। याद रखें रूट्स का भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं साथ लिख रहा हूं S2 S3 S4। तो सेंसरी इनर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसरी फंक्शन पेरिनियम, जो पेरिनियम रीजन है ना उसकी जो सेंसरी इनर्वेशन है किसके पास है? पुडेंडल के पास। और इसका जो मोटर फंक्शन है, मोटर फंक्शन किसको? एनल स्फिंक्टर और उसके बाद एक्सटर्नल यूरिथ्रा। और इस नर्व को हम ब्लॉक कर सकते हैं, वी कैन ब्लॉक दिस नर्व बाय लोकल एनेस्थीजिया ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो एग्जाम में पूछते हैं, तो ये पुडेंडल नर्व को ब्लॉक किया जाता है ड्यूरिंग द
चाइल्ड बर्थ लोकल एनेस्थीजिया के साथ, और उसके साथ चूंकि पेरिनियम रीजन को ये सप्लाई करती है तो मोटर बे, इसका मैंने फंक्शन बताया आपको। और क्या काजेज हो सकती हैं इसकी इंजरी की? प्रोलॉन्ग साइकिलिंग, जो प्रोलॉन्ग साइकिलिंग है ना वो इस नर्व की भी कंप्रेशन करवा सकती है। और उसके बाद हॉर्स बैक राइडिंग, जो घुड़सवारी है वो भी इसको डैमेज कर सकती है। ये जो जितने भी हमने नर्व्स डिस्कस किए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसको आपने देखना है एक बार, फिर हो सके तो 2 बार देखें, नोट्स बनाएं, बुक से भी स्टडी करें। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।